हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके सामने जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो रिलेटेड है टाइपिंग वर्क से। यहाँ पे आप एज ए ट्रांसलेटर भी काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। आपको कोई भी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, स्पेनिश, फ्रेंच या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे इजिली काम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपको ट्रांसलेशन की ABCD भी नहीं पता है लेकिन आप एज ए ट्रांसलेटर काम करना चाहते हैं, टाइपिंग से रिलेटेड कोई जॉब करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। कुछ ऐसे फंडामेंटल्स, कुछ फ्री ऑफ टूल्स मैं आपके सामने यहाँ पे वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी जिनको यूज करके आप इजिली यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग्स यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे गाइज रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, कोई आपका ऑनलाइन टेस्ट नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इस टाइप की कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, टाइपिंग से रिलेटेड कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। कोशिश करें कि ईच एंड एवरी स्टेप आप यहाँ पे समझें। मैं आपको सब कुछ यहाँ पे समझाने वाली हूँ, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपकी यहाँ पे अर्निंग्स होनी है, कैसे यहाँ पे काम मिलता है और कैसे आप अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप इस काम को फोन पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। अगर आप फोन पे करना चाहते हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड को यहाँ पे ऑन करना होगा। तो आपको गूगल में सबसे पहले 1 आवर ट्रांसलेशन डालना है। 1 आवर ट्रांसलेशन डालने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसमें आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो 1 आवर ट्रांसलेशन की पूरी साइट आपके सामने खुल के आ जाती है। आप देख सकते हैं इस टाइप के कुछ ऑप्शन, मतलब आपके सामने पूरी साइट, पूरा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। इसमें जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं काफी सारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके साथ लिंकअप हैं। तो एक जेन्युइन साइट है जहां पे आप टाइपिंग का काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अमेजन भी इससे लिंक है, उबर भी, इसके अलावा काफी सारी मतलब कंपनीज हैं जो यहाँ पे इसको प्रमोट कर रही हैं। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको ऊपर आ जाना है। आप एक कॉर्नर में देखेंगे तीन पॉइंट्स, यहाँ पे तीन लाइन आपको दिखेंगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है एज ए बिकम ए ट्रांसलेटर का। तो बिकम ए ट्रांसलेटर पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है। अप्लाई नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, आप एज ए क्लाइंट यहाँ पे काम करना चाहते हैं या फिर एज ए ट्रांसलेटर काम करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्लाइंट कौन होता है, जो कंपनी यहाँ पे काम अपना दे रही है। एज ए ट्रांसलेटर, एज ए फ्रीलांसर आपको यहाँ पे काम करना होगा। सो हम जो है एज ए ट्रांसलेटर यहाँ पे काम करेंगे, तो एज ए ट्रांसलेटर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एज ए ट्रांसलेटर पे क्लिक करते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाता है। तो उसमें आपको बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है, जैसे कि आपको नेम डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है, आप किस कंट्री से हैं वो सब आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आई एम नॉट रोबोट पे आपको क्लिक कर देना है। टर्म्स एंड कंडीशन आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उस पर आपको क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ऐसे आपका यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रोफाइल अपनी क्रिएट कर लेनी है। प्रोफाइल क्रिएट करने में गाइज आपके कुछ ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, जिसमें आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको क्या डालना है, नेम डाल देना है, अपनी ईमेल आईडी, अपनी कंट्री यहाँ पे डाल देना है, नंबर डाल देना है, कुछ बेसिक सी डिटेल्स इन्होंने पूछी है वो सब करके आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू आपको हर स्टेप पे करना है ताकि कोई भी मतलब मिस ना हो कोई जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको टाइपिंग का काम करना है, ट्रांसलेटर का काम करना है, तो यहाँ पे लैंग्वेज की यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपको कौन कौन सी यहाँ पे लैंग्वेज आती है। जैसे आप लैंग्वेज स्किल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पूछा हुआ, आपको नेटिव लैंग्वेज पूछी है। नेटिव लैंग्वेज में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, मान लीजिए आपको हिंदी आती है, मराठी आती है, कन्नड़ आती है, फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है, जिसमें भी आप लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। आप कोशिश करें कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज आप यहाँ पे फिल करें, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट आते हैं, आपके पास ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे काम आता है। फिर आपको एक सेकंड लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको लैंग्वेज आती है। ट्रांसलेशन स्किल्स में आपको सोर्स लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, टारगेट लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए सोर्स लैंग्वेज क्या है, टारगेट लैंग्वेज क्या है। मान लीजिए आपके पास आपको यहाँ पे मराठी से इंग्लिश में कुछ कन्वर्ट करना है या फिर इंग्लिश से आपको कन्नड़ में कुछ कन्वर्ट करना है, तो जो आपको प्रोजेक्ट आप चाहते हैं वो चाहते हैं आप कन्नड़ लैंग्वेज में, लेकिन आपकी टारगेट आप किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश में आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी सोर्स लैंग्वेज क्या है और यहाँ पे आपकी टारगेट लैंग्वेज क्या है।
इस ऑप्शन को फिल करने के बाद उसके बाद आता है गाइज रेज्यूमे एंड सर्टिफिकेशन। रेज्यूमे में आपको क्या करना है, देखिए रेज्यूमे में आप जब भी आप कहीं पे अपना सीवी अपडेट कर रहे हैं तो जॉब की एज पर जॉब रिक्वायरमेंट उसमें कुछ ना कुछ चेंज करते रहें। इससे क्या होता है, जो भी आपका सीवी रिव्यू होने में कम टाइम लगता है, अंडर रिव्यू कम टाइम तक रहता है और जल्दी से यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो जाता है। तो आपको अच्छे से सीवी यहाँ पे जैसे मांगा हुआ है कि रिक्वायर्ड है, तो अच्छे सीवी को आपको अपडेट कर देना है। भले ही आपने ट्रांसलेशन का कोई काम नहीं किया हुआ है, लेकिन आपने जैसे स्कूल में भी होता है कॉल, मतलब स्कूल टाइम पे आपने काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करो, इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करो, या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं बिल्कुल मेंशन करना है कि आपको बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन का, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शेयर कर देना है जिससे आपका सीवी यहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और अंडर रिव्यू में कम टाइम के लिए रहे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ आईडी वेरिफिकेशन मांगा है, वो सब चीजें कर देनी है। अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, या फिर आपको कोई लैंग्वेज आपकी आपको एक्सपर्ट हैं, आपने कोई सर्ट कोर्स किया हुआ है, कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद गाइज एक ऑप्शन आता है अबाउट मी का। अबाउट मी में एक आपको शॉर्ट बायो दे देनी है अपने बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कभी काम किया हुआ है एज ए ट्रांसलेटर के, एज ए ट्रांसलेशन वर्क के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या नॉलेज है, वो सब चीज़ें इन शॉर्ट में बतानी है, लेकिन अट्रैक्टिव वे में आपको यहाँ पे बतानी है। मेन मेन चीज़ें आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देनी है। उसके बाद गाइस नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करते हुए चलना है, यहाँ पे एक फोटो भी लगा लेना है आपको अबाउट मी में। उसके बाद एक ऑप्शन है टेलीग्राम नोटिफिकेशन का, तो टेलीग्राम नोटिफिकेशन पे आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप इनके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जो भी अपडेट वगैरह है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है तो आपको वो यहाँ पे नोटिफाई हो जाएगा। उसके बाद टू स्टेप लॉगिन है, आप चाहे तो इसको भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपके जो अकाउंट सिक्योरिटी है वो यहाँ पे भर जाएगी जब आप यहाँ पे टू स्टेप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। ये सब चीजें हो गई, इससे आपके यहाँ पे प्रोफाइल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, पूरा ईच एंड एवरी स्टेप जो भी है वो पूरा अच्छे से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। 101% आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद इस स्टेप से यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपने यहाँ पे, तो इस स्टेप से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा आपकी जो ये प्रोफाइल है गाइज, आप वन आवर ट्रांसलेशन टीम के पास जाती है। जब तक आपकी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होती है तो यहाँ पे पेंडिंग एक ऑप्शन शो होता है, पेंडिंग तब तक शो होता है जब तक आपकी प्रोफाइल यहाँ पे वेरीफाई नहीं हो जाती है, जब तक वन आवर ट्रांसलेशन की टीम आपकी प्रोफाइल को यहाँ पे वेरीफाई नहीं करती है। तो यहाँ पे जो टाइम लगता है प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होने में 1 डे का टाइम यहाँ पे लगता है, उसके अंदर ही आपको यहाँ पे मेल आ जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे काम कैसे होता है गाइज, देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रांसलेशन का जो काम चुना है, आपने इंग्लिश टू कन्नड़ लैंग्वेज चुना है कि आप इस टाइप से कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं, तो आपको मेल कर दिया जाता है कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, आप पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। उसके अलावा अगर उनके पास उस टाइम पे वो रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं होते हैं तब भी वे आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड हो गई है, प्रोफाइल आपकी वेरीफाई हो गई है, बट राइट नाउ हमारे पास ये प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ टाइम बाद जब भी प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। अगर उनके पास आपकी मतलब स्किल से रिलेटेड, आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं तब भी आपको बता दिया जाता है कि इस टाइप के प्रोजेक्ट हैं, जो भी फर्दर प्रोसेस होता है वो आपको ईमेल से यहाँ पे बता दिया जाता है। सो इस टाइप से यहाँ पे कुछ काम होता है। अगर आपका गाइस यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपको माई अकाउंट में जाना है। माई अकाउंट में एक डैशबोर्ड पूरा आपके पास खुल जाता है, उसमें आपको अपना अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना स्टेटिस्टिक्स चेक कर सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट पेंडिंग है, कितना पोटेंशियल अमाउंट है, कितना बैलेंस आपने मतलब आपका है यहाँ पे आपके अकाउंट में, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं माई अकाउंट में जाके। सो अगर गाइस बात करें कि कैसे आप यहाँ पे अपना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बाहर की साइट है, तो यहाँ पे आपको पेपल पे अकाउंट होना जरूरी है। यहाँ पे पेपल का ऑप्शन है, पेओनियर का ऑप्शन है, आप बैंक ट्रांसफर भी ले सकते हैं और आप मास्टर कार्ड से भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन काफी अच्छी ये साइट है। अगर आप कोई टाइपिंग से रिलेटेड कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप इजिली गाइस यहाँ पे काम करके अर्न कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, मैंने आपको अकाउंट बताया कि आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पे वेरीफाई होता है, कैसे यहाँ पे अर्निंग्स होती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर किया था कि मैं आपके सामने कुछ टूल्स एंड फंडामेंटल्स शेयर करूंगी, जिसपे अगर आपको ट्रांसलेटर का काम नहीं आता है लेकिन आप कोई टाइपिंग जॉब करना चाहते हैं, घर में रहकर कोई पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आप इजिली इस काम को कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं, आप एज ए ट्रांसलेटर काम करना चाहते हैं, तो आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं। प्ले स्टोर से गूगल ट्रांसलेटर को आप डाउनलोड करके यहाँ पे किसी भी सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में आप यहाँ पे कन्वर्ट
कर सकते हैं विद इन 5 मिनट्स। कोई भी चीज यहाँ पे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से। बट जो गाइज गूगल ट्रांसलेट है वो 80% ही एक्यूरेसी तक दे पाता है। यहाँ पे जो है आपको इसके अलावा जो भी ग्रामर से रिलेटेड चीजें हैं उसके लिए आप ग्रामरली एक ऐप होता है उसकी हेल्प से जो भी ग्रामर से रिलेटेड मिस्टेक्स है उनको यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड मेथड है, आप के लिंक में कोई भी लैंग्वेज एक्सपर्ट है आपके आस पड़ोस में आपके फ्रेंड सर्किल में अगर कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट है तो उसको आप कमीशन बेस पे काम करा के इस काम को मतलब उसकी ग्रामर की जो भी प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पे सही करवा सकते हैं। इसके अलावा OLX पे भी काफी सारे क्लाइंट होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं जो इस टाइप से काम करते हैं। फ्रीलांसर जो होते हैं गाइस इन साइट पे जो होते हैं वो इसी टाइप से कुछ क्लाइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, कुछ उनको कमीशन दे के अपना काम यहाँ पे कराते हैं और उस साइट पे यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। सो ये भी एक तरीका है अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आपको काफी सारे सोर्सेज मिल जाते हैं अगर आपके अंदर चाह है उस काम को करने की। एक बार जब आप इस साइट पे जाएंगे तो काफी सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के आ जाएंगे जिससे आपको काफी सारे रास्ते मिल जाएंगे कि कैसे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लीजिए आपको कोई 2000 का प्रोजेक्ट है, 3000 का प्रोजेक्ट है तो आप 60% अपने पास रख के 30% अमाउंट उसको दे के आप इजीली इस काम को प्रोजेक्ट को यहाँ पे करके उस साइट पे अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि जो 80% काम है वो आपको गूगल ट्रांसलेट ने कर ही दिया, जो बचा हुआ 20% काम है वो आप किसी से करवा सकते हैं और इजीली यहाँ से एक अच्छी खासी अर्निंग गेन कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू गाइज कि आप यहाँ पे कितना टाइम देना चाहते हैं, कितना काम यहाँ पे करना चाहते हैं। फुल टाइम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। एक अच्छी खासी जेन्युइन साइट है, मेरे को काफी अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और काफी सारे टूल्स हैं जिससे आप इजीली ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।